गुड मॉर्निंग मुंबई वालों और मुंबई के बाहर वालों, कैसे हैं आप लोग? सलाम, नमस्ते, आदाब। अब बहुत दिन हो गए, जितना दूध हम ला रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, उसकी वजह से इतनी सारी मलाई जम गई है। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो आज हम जो मलाई है उससे हम वाइट बटर कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल वे टू गेट वाइट बटर एट होम। तो हमारे लैंग्वेज में, मतलब कोकनी में या मराठी में, इसको लोनी बोलते हैं। तो लोनी आप पराठे पे खा सकते हैं, या जैसे हम स्पॉन्ज डोसा बनाते हैं तो उस पे लोनी डाल के हम खा सकते हैं, या आप ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। तो लेट्स सी द रेसिपी। अच्छा, तो सब में पहले, तो अगर आपने आप फ्रीज़र में रखते हैं मलाई, तो आप उसको बाहर निकाल के रख दीजिए, तो ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और मिक्स करने के लिए, मतलब ग्राइंड करने के लिए मिक्सी में, वो प्रॉपर हो। या अगर आप नीचे रैक पे रखते हैं फ्रिज में, तो नो प्रॉब्लम, मतलब आप एक 5-10 मिनट पहले ही निकाल के रख सकते हैं। सो दैट्स दी ओनली प्री प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू। और दूसरी चीज़ जो हमको लगेगी वो ठंडा पानी है। तो आप या तो फ्रिज का पानी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल हमारा नल का पानी होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मलाई का बर्तन। ये करीब शायद 1 किलो मलाई होगी। अच्छा, इसमें अब हम ये एक मिक्सर हमने ले लिया, हमारा ग्राइंडर। अब इसमें दो तरीके के ब्लेड होते हैं, एक ये जिसमें धार होती है, दिस इज़ शार्प, और एक जो है ये नॉर्मल जो विस्क करते हैं, दिस इज़ ऑफ प्लास्टिक। अगर आपके पास ऐसा वाला ग्राइंडर या मिक्सर नहीं है और नॉर्मल ब्लेड उसमें वो फिक्स्ड है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये डाल दिया, एंड देन हम थोड़ा थोड़ा करके, अभी जैसे ये 1 किलो है, तो इसको हम मे बी 4 हिस्सों में करके फिर हम इसको बीट करेंगे। ओके, तो ये हमने पानी ले लिया। अच्छा, अब ये मिक्सर में डालने के पहले हम इसको ठीक से ज़रा फेंट लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे बहुत दिन से फ्रिज में है, तो ये थोड़े से कहीं कहीं पे गट्ठे हो गए हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा बीट कर लेते हैं और फिर मिक्सर में हम डालेंगे। चलिए, ये हमने फेंट लिया, अब हम इसको डालेंगे मिक्सर में। आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस में बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देती होंगी, क्योंकि हमारा जो घर है वो बहुत सारे आसपास में पेड़ बहुत हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं हमको। और अर्ली मॉर्निंग तो यू कैन हियर देम चॉपिंग एवरीवेयर ऑन ऑल द ट्रीज। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा ये ठंडा पानी डालेंगे, बस थोड़ा सा डालें। अब इसको हम विस्क कर लेते हैं। अच्छा, जब आप इसको विस्क करेंगे, तो पहले आपने मलाई डाल दी, फिर पानी डाल दिया, और फिर ग्राइंडर शुरू कर दिया, तो होगा ये कि आपको लगेगा अरे ये तो पतला हो रहा है, तो वो पतला नहीं हो रहा है। पहले तो वो पानी के साथ मिक्स होगा, फिर आप जैसे जैसे देखेंगे तो वो गाढ़ा होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि पानी और क्रीम ये दोनों मिक्स हो चुका। फिर थर्ड स्टेज में आप देखेंगे ये बहुत वाटरी हो गया है, सडनली एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर पता नहीं पूरा पानी पानी हो गया। उस स्टेज पे आपको ये पता चलना चाहिए कि अब आपका वाइट बटर रेडी है, मतलब पानी अलग हो गया है और वाइट बटर आपका अलग हो गया है। ठीक है, समझ गए? ये बहुत सिंपल है।
चलिए तो ये हमारा फर्स्ट बैच रेडी है। ये देखिए, दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। तो जो मैं आपको बता रही थी कि पानी और बटर ये अलग अलग हो जाएगा, ये ऐसे, ये जो जितना थिक पोर्शन है ये आपका वाइट बटर है, तो ये इसको हम निकाल लेते हैं। तो वाइट बटर जो है ये हमने यहाँ निकाला। अब जो ये बाकी का जो पानी आप देख रहे हैं, इसको हम ये एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये गया इसमें, ठीक है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत ये बच गया है, वो उसको भी हम बाद में इसको छान के निकाल लेंगे। फिर से ये सेम स्टेप रिपीट। ये डाल दिया मलाई, ये डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम पानी और फिर वापस से बीट कर लेंगे या विस्क कर लेंगे। तो ये रहे हमारे फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। दीज आर लाइक रियली लाइट लाइट वाइट फ्लफी क्लाउड्स। और ये हमारी छास, ठीक है। तो है ना ये इजी पीजी। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि आप बाहर से जब कोई बटर लाते हैं तो एक तो महंगा है ऑफ कोर्स, दूसरा के इसमें कितना मिक्सिंग है, सैचुरेटेड फैट है, ये है वो है, अलाना है फलाना। अब अगर आप घर पे आसानी से जो आपका बाई प्रोडक्ट है, मतलब आप दूध नॉर्मल लाते हैं उसमें से आपको मलाई मिलती है, और उसको अगर आप फर्दर बीट करते हैं तो आपको वाइट बटर मिलता है, तो इज़न्ट दिस बेटर? और सस्ता भी है, वक्त भी कम लगता है, तो इज़न्ट दिस बेटर? तो आप ये ट्राई कीजिए। और हर एक वीडियो में मैं आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन इसीलिए देती हूँ, या शायद ये मेरी आदत भी हो गई है मेरी अम्मी के साथ सीख सीख के। जैसे हम अम्मी के साथ कभी बैठते हैं जब वो हमको कोई नई रेसिपी वगैरह सिखाते हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो मे बी खाने से डायरेक्टली जुड़ी हो, कोई इनडायरेक्टली जुड़ी हो। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे बजट में रह के, आप वन बजट में रह के दूसरा क्वालिटी, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली एक किफ़ायत होर वाइफ, बेटी, हस्बैंड, वाई वाई शुड द मैन बी यू नो केप्ट अवे। तो अगर हम ये सारी चीज़ें घर में ही कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बिल्कुल कीजिए। सो यू टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छा, इसको स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो हमारी लोनी है, इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा सा, अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा छास आपको दिखेगी बीच में, तो ये आप अच्छे से इसको बॉल बनाइए। ठीक है, ये बॉल बन गया आपका, और ये कोई डब्बे में आप डाल दीजिए, बस यही करना है आपको। ये ध्यान रखें कि आपके हाथ जो हैं वो अच्छे से धुले हों, और इसमें कोई साबुन वाबुन की आपके हाथ में हैंड वॉश की कोई स्मेल नहीं आ रही हो। क्योंकि आजकल हम बार 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 हाथ धोते हैं ना, कोरोना वायरस की वजह से, तो हाथ ठीक से सुखा लें, पोंछ लें।
और फिर ये स्टेप करें, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट है ना, तो हो सकता है कि बाद में कुछ स्मेल आए या कुछ वैसे, तो ऐसे ही आपको ये कंटिन्यू करना है। और ये फ्रिज में आप नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं, या आपको फ्रीज़र में रखना है तो आप फ्रीज़र में रख लीजिए। अगर आपके घर में कम मेंबर्स हैं और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, अलग अलग बैचेस में डाल के, मतलब छोटे छोटे डब्बे में या जिप लॉक पाउच में आप इसको डाल के रख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वाइट सॉफ्टी बॉल्स और ये हमारी छास हो गई। जब कभी आपको ये लगे, जब आपने ये वाइट वाले बॉल्स बना लिए, फ्रिज में रख लिए, और कुछ दिनों बाद अगर आपको ऐसे लगे कि इसमें थोड़ा सा आपको बिटरनेस आ रहा है, थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, तो आप इसको घी बना दीजिए। मतलब आप एक कढ़ाई लीजिए, स्टील की है या आपका नॉनस्टिक पैन है, जो भी है, आप वो कढ़ाई लीजिए, उसमें वो सारा लूनी डालिए और धीमी आंच पे आप उसको कुक कीजिए, तो उसमें आपका घी अलग हो जाएगा और उसका जो रेसिड्यू है, मतलब जो खोया जो बच जाता है, वो आपको अलग अलग हो जाएगा। बस एक 10-15 मिनट लगेंगे आपको, बट स्लो आंच पे कीजिए। अब तो घी हो गया, अब जो रेसिड्यू बच गया उसमें आप शक्कर डालिए, गुड़ डालिए और वो खा सकते हैं आप, और वो बहुत हेल्दी है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, आम के आम और गुठलियों के दाम। और इसमें से जो हमने छाछ निकाली है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट क्रीमीएस्ट छाछ यू वुड हैव एवर 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 टेस्टेड। तो इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालिए, या अखा ज़ीरा हो तो उसको थोड़ा सा रोस्ट कीजिए पैन पे और उसको पीस के डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, कोथमीर, ये सब मिक्स करके डालिए और आपकी मज़ेदार मसाले वाली छाछ आपकी रेडी है। तो ये कितने सारे एक ही वीडियो में मैंने आपको रेसिपीज़ बता दी, तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।